Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy, Wapi. So dear student, जैसा कि स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर 10 यस ब्लॉग चल रहा है और आज हम पार्ट 2 में इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इस पॉइंट में आज हमारा जो डिस्कशन चलेगा जिस पॉइंट पर बात करें वो है यस ब्लॉग के ग्रुप 1 एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एनमलस नेचर ऑफ लिथियम इन ग्रुप 1 एलिमेंट. देन आफ्टर थर्ड पार्ट में हम सेकेंड ग्रुप स्टार्ट करेंगे जहाँ उसके फिजिकल केमिकल ट्रेंड्स से स्टडी करेंगे. सो इंक्लूडेड पार्ट के अकॉर्डिंग जाए तो कंपाउंड्स तो है नहीं, तो हमें सिर्फ फिजिकल केमिकल ट्रेंड्स एनमलस नेचर इन्हीं पॉइंट को स्टडी करना है. सो स्टार्ट करते स्टूडेंट, बात करेंगे पार्ट 2 में चैप्टर 10 यस ब्लॉक पार्ट 2 अबाउट द केमिकल ट्रेंड्स मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन हम राइट करेंगे अबाउट द रिएक्शन विद हाइड्रोजन. रिएक्शन विद हाइड्रोजन. इस पॉइंट में हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया एंड अबाउट द रिएक्शन विद वाटर, ऑक्सी सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल, इन पॉइंट पर डिस्कशन चलेगा. तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फॉर्म एमएच टाइप हाइड्राइड्स. सो स्टूडेंट, ग्रुप 1 एलिमेंट जो अल्कली मेटल है लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से और फॉर्म करते हैं एमएच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स. एज एग्जाम्पल मीन्स एमएच वर्ड दैट्स इंडिकेट लिथियम हाइड्राइड्स, सोडियम हाइड्राइड्स, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड्स. सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम हाइड्राइड्स. तो हाइड्राइड्स के पॉइंट में अगर जाएं आप और देखें तो ये टर्म्स आते हैं. अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन में, ये पॉइंट्स हो गया द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्ट विद द हाइड्रोजन फॉर्म एमएच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स. अब इनकी प्रॉपर्टीज बताएंगे. हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल मेटल ऑफ आयनिक इन नेचर एक्सेप्ट लिथियम हाइड्राइड्स. स्टूडेंट, अगर लिथियम हाइड्राइड को हम छोड़ दें तो रिमेनिंग जितने भी हाइड्राइड हैं इस ग्रुप के सबके सब आयनिक इन नेचर हैं और ये आयनिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है. मींस लिथियम टू सीजियम जाए तो ये आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन मेटालिक नेचर. सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक नेचर की बात करें तो सीजियम हाइड्राइड इज मोर आयनिक देन RbH, रुबिडियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन पोटेशियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन सोडियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन लिथियम हाइड्राइड. लिथियम हाइड्राइड में आयनिक नेचर सबसे लेस है, कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है. सो स्टूडेंट, ये हो गया हाइड्राइड के नेचर. और यहाँ बात करें तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बोलते कि हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल आर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन एंड द करेक्ट ऑर्डर इज अगेन
reducing agent of hydride is cesium hydride is greater than RbH is greater than KH is greater than NaH is greater than LiH. That is correct order of hydrides. So as a reducing agent, ये correct order हो गया. Hydrides, reducing agent, hydrides of group one element are acidic in nature, and this acidic nature increase with increase in एटॉमिक साइज. जैसे एटम का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है, इनके एटॉमिक साइज मतलब जो होंगे हाइड्राइड्स के एसिडिक नेचर इंक्रीज होंगे. मींस सीजियम हाइड्राइड इज मोर एसिडिक देन रूबिडियम हाइड्राइड्स इज मोर देन पोटेशियम हाइड्राइड इज मोर देन सोडियम हाइड्राइड्स इज मोर देन लिथियम हाइड्राइड्स. एंड एसिडिटी ऑर्डर इज ऑल्सो सबसे ज़्यादा एसिडिटी अगर देखा जाए बट थर्मल स्टेबिलिटी. एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा स्टेबल लिथियम हाइड्राइड. एंड एसिडिक नेचर की बात करें तो सबसे मोर एसिडिक है सीजियम हाइड्राइड्स. सो यहां पर बात करेंगे हम तो लिथियम और सीजियम तो एसिडिक नेचर और ये पॉइंट्स है इसके. सो अबाउट द हाइड्रोजन मीन्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन जो होते कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन से स्टूडेंट और फॉर्म करते हैं एमएच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स. हाइड्राइड के एसिडिक नेचर रिड्यूसिंग एजेंट नेचर एसिडिक नेचर थर्मल स्टेबिलिटी नेचर ये सारे पॉइंट्स को हमने ऑब्जेक्टिव के टर्म में डिटेक्ट कर दिए. एंड देन अबाउट द केमिकल अदर प्रॉपर्टीज. सो हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. सो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनके एक्वा सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इसके अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर. वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनके एक्वा सॉल्यूशन कैसे होते हैं बेसिक इन नेचर. ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्राइड्स हाइड्राइड गिव्स हाइड्रोजन एट एनोड एंड मेटल एज ए प्रोडक्ट एट कैथोड. दैट्स ऑल. सो इन केमिकल रिएक्शन नाउ फर्स्ट केमिकल रिएक्शन विद हाइड्रोजन. अबाउट द हाइड्रोजन सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ डिटेक्ट कर दी स्टूडेंट द परफेक्ट तरीके से पॉइंट्स हैं ए टू जेड लाइन. एंड जो भी आपको किसी भी लेवल के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होंगे वो सब के सब हमने डिटेक्ट कर दिए. सो रिएक्शन विद हाइड्रोजन. और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम अबाउट द रिएक्शन विद हैलोजन. हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन. सो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे अबाउट द रिएक्शन विद हैलोजन. रिएक्शन विद हैलोजन की बात करें स्टूडेंट तो रिएक्शन विद हैलोजन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन मीन्स अल्कली मेटल रिएक्ट विद डाइहैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फॉर्म एमएच टाइप
ऑफ हैलाइड, MX टाइप ऑफ हैलाइड। तो MX टाइप ऑफ हैलाइड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, इसके अबाउट जाएंगे। सो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन रिएक्शन विद डाई हैलोजन, तो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन रिएक्ट विद द डाई हैलोजन अप टू फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन फॉर्म MX टाइप ऑफ हैलाइड्स। तो MX टाइप ऑफ हैलाइड फॉर्म करता है, तो इससे क्या पॉइंट और उनके रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज हमें बताना है। सो द आयनिक नेचर, द आयनिक नेचर ऑफ हैलाइड, जो आयनिक नेचर होते हैं हैलाइड के, उसके अबाउट जा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में चेंज होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या किस ऑर्डर में होगा। तो आयनिक नेचर ऑफ हैलाइड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। एटम का साइज ऐसे ऐसे इंक्रीज होगा, इनका इंक्रीज होता जाएगा। मीन्स अगर हम देखें एक ही हैलोजन के साथ, तो लिथियम क्लोराइड इज लेस आयनिक देन सोडियम क्लोराइड, इज लेस आयनिक देन सोडियम ब्रोमाइड, इज लेस आयनिक देन सोडियम आयोडाइड, दैट्स ऑल। सोडियम आयोडाइड इज सॉरी यार आई सेल सीएल एंड यानी सीएल, पोटेशियम क्लोराइड, रूबीडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। हैलोजन कांस्टेंट है, तो आयनिक नेचर विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल इंक्रीज होता है। बट अगर हम देखें तो LiF इज लेस आयनिक देन लिथियम आयोडाइड, मीन्स लिथियम आयोडाइड इज मोर आयनिक कोवेलेंट देन द लिथियम फ्लोराइड। तो बट हैलोजन के केस में क्या है कि कोवेलेंट नेचर इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन एटम। मेटल कांस्टेंट है, हैलोजन बदले, तो मीनिंग क्या हो गया कि अगर हम एक ही मेटल का उठा ले रहे हैं आपको, तो लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, लिथियम ब्रोमाइड है और लिथियम आयोडाइड है। तो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर। तो कोवेलेंट नेचर की बात करें तो पॉइंट्स होगा क्या, जो कोवेलेंट नेचर है वो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड है और कोवेलेंट नेचर है। सो स्टूडेंट, रिएक्शन विथ हैलोजन हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ हैलोजन। तो हैलोजन के साथ अल्कली मेटल रिएक्ट करते हैं और MX टाइप ऑफ हैलाइड बनाते हैं। MX टाइप ऑफ हैलाइड की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ मेटल। मतलब इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लिथियम के जो हैलाइड होंगे, चाहे वो फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन साइज, विथ इंक्रीज इन डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। तो लिथियम के हैलाइड हाईली स्टेबल है, थर्मल स्टेबल है, राइट, ये पॉइंट है। एंड अदर पॉइंट, लिथियम हैलाइड, लिथियम हैलाइड इज स्प्रैंगलिंग सॉल्युबल इन वाटर, बट हैलाइड ऑफ अदर अल्कली मेटल, अदर अल्कली मेटल इज हाईली सॉल्युबल। लिथियम के जो हैलाइड है वो स्प्रैंगली सॉल्युबल है ड्यू टू द कोवेलेंट नेचर। लिथियम हैलाइड कोवेलेंट नेचर रखते हैं, इसलिए वाटर पोलर सॉल्वेंट में लेस सॉल्युबल है। बट रेस्ट ऑफ द हैलाइड ऑफ द अल्कली मेटल इज हाईली सॉल्युबल। व्हाई, व्हाट अ रीजन, ड्यू टू द मोर आयनिक नेचर। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द हैलाइड
या हैलाइड ऑफ द अल्कली मेटल, मतलब हैलाइड मीन्स हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन, अल्कली मेटल हैलोजन से रिएक्ट करके टर्म्स बताते हैं। आयोडीन का हैलाइड सबसे मोर क्या होगा, कोवेलेंट, और फ्लोरीन के हैलाइड हैली आयोनिक इन नेचर। लिथियम हैलाइड जो होते हैं वो वाटर बोलते क्या है कि ड्यू टू हाई हाइड्रेशन इंथाल्पी ऑफ लिथियम इज लिथियम क्लोराइड गेट क्रिस्टलाइज इन वाटर, मीन्स लिथियम क्लोराइड एडेड इन वाटर देन फॉर्म LiCl 2H2, दैट्स ऑल। एंड अदर गेट हाइड्रोलाइज, NaCl एडेड इन वाटर एंड फॉर्म NaOH प्लस HCl, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिथियम हैलाइड एंड अदर मेटल हैलाइड्स। सो ये हो गए अबाउट द रिएक्शन विथ हैलोजन। तो हमने दो पॉइंट को स्टडी किया अभी, केमिकल ट्रेंड्स या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप वन एलिमेंट, वन इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड आवर सेकेंड रिएक्शन विथ द हैलोजन्स। तो हाइड्रोजन एंड हैलोजन, इन दो पॉइंट को केयर करें, तो ये हमारा पॉइंट्स हो गया अबाउट दिस। अब हम बात करेंगे इनके नेक्स्ट पॉइंट पर, सो स्टार्ट करते हैं। अब हाइड्रोजन से हो गया पॉइंट्स, हैलोजन से रिएक्शन हो गए, अब हम बात करेंगे यहाँ रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया एंड ऑक्सीजन, राइट। तो रिएक्शन विथ अगला पॉइंट होगा रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया की बात करें तो रिएक्शन ये फिजिकल ट्रेंड में भी बताया गया, बट यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो हमें क्लियर करना इसको। एंड दे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन है एंड रिएक्शन विथ वाटर है। तो अल्कली मेटल सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड इन सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल है और इनके रिएक्शन दिखाए तो मेटल एक्स प्लस वाई प्लस जो ये रिएक्शन होता है यहाँ पर वो रिएक्ट किससे करेंगे, NH3 से, राइट, और वाई मोल्स यहाँ पर हमने मेंशन किया। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा यानी NH3, राइट, का अब यहाँ पर हमने दे दिया एक्स मोल हो गया एक्स प्लस वाई और ये हो गया एक्स मोल, क्लियर। नाउ चार्ज इज प्लस वन इंटू NH3 का होल वाई एंड माइनस वन। सो बोलते क्या है कि जब हम लिक्विड अमोनिया को डिजोल्व करें यहाँ पर अल्कली मेटल, तो दो टाइप का सॉल्यूशन बनाता है, द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्रोड्यूस ब्लू कलर लाइट ब्लू कलर एंड पैरामैग्नेटिक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, बट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिव्स
ब्रॉन्ज सॉरी 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 लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिव्स ब्रॉन्ज कलर एंड इट बिकम डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर। सो स्टूडेंट, लिक्विड अमोनिया के साथ ये टर्म्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है परफेक्ट तरीके से और पॉइंट को केयर करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब अगला पॉइंट होगा हमारा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विथ एयर, तो रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ वाटर एंड ऑक्सो सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल्स लाइक कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट। सो इन पॉइंट पर एंड एनामलस एंड डायगोनल रिलेशन। सो बात करते हैं रिएक्शन विथ एयर। द अल्कली मेटल वायलेंटली रिएक्ट विथ एयर ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अल्कली मेटल बहुत ही फास्ट रिएक्शन देते हैं विथ एयर, एयर के साथ इनका रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर इससे पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या रिलेटेड पॉइंट्स, क्या रिएक्शन होंगे, तो द मेटल ऑफ ग्रुप वन कंबाइन विथ द एयर फॉर्म एम टू ओ टाइप ऑक्साइड। तो इस ग्रुप के एलिमेंट एयर से कंबाइन होते हैं और एम टू ओ टाइप का क्या देते हैं, ऑक्साइड देते हैं। तो ऐसे केस में जो ऑक्साइड देते हैं तो फिर पॉइंट से पर आते हैं, तो एम टू ओ टाइप का ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, कंबाइन विद द एयर फॉर्म एम टू ओ टाइप ऑक्साइड। सो इन ऑक्साइड की बात करें आप, एम टू ओ टाइप ऑफ ऑक्साइड, तो इन ऑक्साइड की बात करें तो इस ऑक्साइड के नेचर की बात करें आप, तो लिथियम एक एक के अबाउट पढ़ेंगे हम, पहले बात करेंगे लिथियम की। तो लिथियम फॉर्म, लिथियम फॉर्म ओनली एम टू ओ टाइप ऑफ ऑक्साइड, मीन्स यहाँ पर बात करें तो 4Li प्लस ओ टू एंड आई गिव्स ट्वाइस Li 2O। लिथियम सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाता है एंड ऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ लिथियम इज कोवेलेंट इन नेचर। सेकेंड, अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फॉर्म पेरोक्साइड, एंड सुपर ऑक्साइड अलॉन्ग विथ मोनोऑक्साइड। सो स्टूडेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इस ग्रुप के एलिमेंट में लिथियम सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाता है,
रिमेनिंग एलिमेंट जो है मोनोऑक्साइड के साथ साथ पेरोक्साइड या सुपरऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं। सो पेरोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड फॉर्म करते हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, जिसमें सिर्फ अगर हम बात करें तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है। सोडियम नाउ रिएक्ट टू द ऑक्सीजन वायलेंटली एंड फॉर्म Na2O मोनोऑक्साइड एंड दिस सोडियम इज ऑल्सो रिएक्ट विद द ऑक्सीजन फॉर्म Na2O2 दैट इज द सोडियम पेरोक्साइड। बट मेटल लाइक ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म MO2 दैट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड है, वेयर M इज द पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम। पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, तो पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। एंड अदर पॉइंट्स होगा यहाँ पर इनके नेचर के, जितने भी ऑक्साइड हैं एक्सेप्ट लिथियम सब के सब वाटर सॉल्युबल हैं। तो ऑल द ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम ऑक्साइड दैट इज द स्प्रैंगली सॉल्युबल। क्लियर? M2O प्लस H2O ऑन गिव्स ट्वाइस MOH प्लस H2, सो दैट हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। सो जितने भी हैं सब बेसिक इन नेचर हैं। सो ये हो गया अबाउट द ऑक्साइड ऑफ द अल्कली मेटल। तो रिएक्शन होते हैं, लिथियम फॉर्म कर रहा है मोनोऑक्साइड, ओनली सिंगल ऑक्साइड, अदर एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं क्या मोनोऑक्साइड के साथ साथ पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, जिसमें सोडियम की प्रोबेबिलिटी होती है सुपर ऑक्साइड तो बनाता नहीं, पेरोक्साइड एंड मोनोऑक्साइड। देन आफ्टर हम बात करेंगे आगे के पॉइंट्स पर, और आगे पॉइंट्स हमारा है क्या, सो जो ऑक्साइड है ये अल्कली मेटल के, इनके सॉल्युबिलिटी हमने बता दिया, और मैं बात करूंगा अभी यहाँ पर इसके अदर प्रॉपर्टीज पर। सो ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल आर बेसिक इन नेचर, जितने भी ऑक्साइड हैं इनके सब बेसिक इन नेचर हैं। बेसिक इन नेचर है मतलब क्या है आपको, तो सबके सब बेसिक नेचर है रखते हैं। एंड दिस बेसिक नेचर इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। मीन्स अगर हम देखें तो सीजियम जो ऑक्साइड है मोर बेसिक देन होगा रुबिडियम ऑक्साइड, इज मोर बेसिक होगा देन पोटेशियम ऑक्साइड, इज मोर बेसिक होगा सोडियम ऑक्साइड, एंड मोर बेसिक देन लिथियम ऑक्साइड। सो बात कर रहे थे ऑक्साइड नेचर की, तो इसमें कुछ और भी पॉइंट है, अगर रिएक्शन आप विथ एयर जाएंगे तो जब आप NCERT फॉलो करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे लास्ट लाइन में आपको मेंशन करके रखा है कि इन ग्रुप वन ले लिथियम डायरेक्टली कंबाइन विथ नाइट्रोजन फॉर्म लिथियम नाइट्राइट। मीन्स ग्रुप वन में सिंगल लिथियम ही है जो नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन से कंबाइन होकर डायरेक्ट लिथियम नाइट्राइट फॉर्म करता है, और अदर एलिमेंट ये रिएक्शन नहीं देते। मीन्स लिथियम 6 मोल प्लस N2 यहाँ पर हो गया, और मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, मीन्स
ट्वाइस एल आई थ्री एन, मीन्स यहाँ पर हो गया एन टू एल आई का यह थ्री एन टू एंड सिक्स एल आई, सो टू एन टू। तो लिथियम नाइट्राइड्स जो फॉर्म करता है यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन अबाउट द लिथियम नाइट्राइड। रेस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम डज नॉट एक्ट विद द नाइट्रोजन। एक्चुअली डायरेक्ट नहीं रिएक्ट, इनडायरेक्टली हाई टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्ट करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम यूटिलाइज करते हैं कहाँ पर, जब एनामलस नेचर हम स्टडी करेंगे ऑफ लिथियम इन अल्कली मेटल, देन ए पॉइंट हमें यूज करना है। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पर, हम स्टडी कर रहे हैं केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल ट्रेंड ऑफ द अल्कली मेटल। जहाँ हमने पढ़ा हाइड्राइड्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया एंड रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जहाँ पर रिएक्शन विथ एयर है, जो एयर में नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करता है लिथियम, अदर मोनोऑक्साइड बनाता है। रेस्ट ऑफ एलिमेंट इस ग्रुप के मोनोऑक्साइड के साथ साथ सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड बना सकते हैं, बट सोडियम मोनोऑक्साइड पेरोक्साइड रेस्ट इज सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। हर एक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, वाटर में सॉल्वल है, लिथियम के ऑक्साइड स्प्रिंगली सॉल्वल है। तो देन ए पॉइंट्स हो गए हमारे अबाउट द ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड पर बात करें तो नाउ इज कंप्लीटेड, एंड नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा रिएक्शन विद द वाटर एंड ऑक्सी सॉल्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड एनामलस नेचर ऑफ लिथियम इन ग्रुप वन। सो इन पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पीरियड में, मीन्स पार्ट थर्ड में। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।